तुम्हें चुकानी पड़ेगी। चुन चुन कर तुम्हें अंजाम तक पहुंचाऊंगा। हमारे कबीले का नाम और निशान मिटा दूंगा मैं। हम जो असबाब सरदारी हिफाजत के पेश नजर सुलेमान शाह के खेमे से लेकर आए थे उन्हें वापस सुलेमान शाह के खेमे में रखना है। सलजू खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो, और वो कैदी नुमान एक शहजादा है, और जिससे तुम नफरत करती हो वो शहजादी है। अर्तुल को सब मालूम हो गया है भाई बोरा के बारे में। उसकी जबान खुलने से पहले हमेशा के लिए बंद कर दो। उनके हमले में जरूर किसी जासूस ने मदद की है उनकी, और वही आदमी कारा तोयगर को भी हमारी खबरें पहुंचाता है। अगर वहां अर्तुगुल हमारे साथ मौजूद ना होता तो सब कुछ खत्म हो जाता, कुछ भी ना बचता। सफ़े सीधी कर लें अपनी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे ये शहीद हमारी दुआओं के मुंतजर रहेंगे, क्या आप उनके लिए दुआ करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। इनके लिए कुरान पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। इनको हमेशा याद रखेंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। अल्लाह इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, रोज़े महशर इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फरमाए, इनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाइए। अल फातिहा। मेरे कबीले के मोहतरम मौजिज साहिबान, मैं आप सबके जज्बात को समझता हूं। हम उस शैतान को कड़ी से कड़ी सजा देंगे जिसने हमारे सिपाहियों को शहीद किया और उनके बच्चों को यतीम कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस शैतान को सजा मैं नहीं बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन के हाथों दिलवाई जाए। क्योंकि उसके करतूत सुल्तान अलाउद्दीन को भी मालूम होने चाहिए। मोहतरम सरदार, हम गम से बेहाल हैं और कारा तोयगर से बदला लेना चाहते हैं। आपकी ये बात सुनकर हमारा गम बढ़ गया है। गाफिलो, क्या कभी सरदार ने कोई गलत बात कही है तुम लोगों से? हमारे सरदार का हर फैसला हमारी भलाई के लिए होता है, याद रखना ये बात। साहिबान, मैं बराबर का शरीक हूं आपके दुख में, मगर इंतकाम की आग में हमें अंधा नहीं होना चाहिए
और ये एकदम ज्यादा बेहतर रहेगा कि सुल्तान अलाउद्दीन उसे खुद सजा दे। उसने उनका एतमाद तोड़ा है। किसी को कोई एतराज तो नहीं? सालार सरी बुरु, कारा तोइगर को लेकर सुल्तान अलाउद्दीन के पास कोनिया जाएगा और इसे उनके हवाले करेगा। उस शैतान ने सल्तनत से बगावत की है, वो अपनी जिंदगी में ही देख लेगा अपना अंजाम। यह आपकी खुशकिस्मती है, आपकी आंखों के सामने इस जालिम का इबरतनाक अंजाम होगा। हम कुछ दिन के बाद हलब के लिए निकलेंगे, क्या सारी तैयारी मुकम्मल है? सारी तैयारी मुकम्मल है, सिर्फ ये खेमे निकालने रह गए हैं और कालीन रह गए हैं। हमारे रेवड़ भी चलने को तैयार हैं, और मैंने अपने खास आदमियों को चरवाहों के साथ भी भेज दिया है। तो फिर मैं अल-अज़ीज के पास कंदूकतू को पैगाम देकर भेजता हूं। ये पैगाम लेकर जाओ कंदूकतू। बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो। बाबा बाबा सरदार सुलेमान 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 बाबा بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون आ
आगे का काम तुम्हारा है। तुम सुल्तान अलाउद्दीन के पास जाओगे और उसे सब बताओगे कि कैसे तुम्हें और उन शहजादों को काई कबीले वाले यरखमाल बनाकर ले गए अपने साथ। तुम उन शहजादों को कोनिया लेकर जा रहे थे। उन्होंने दूसरे तुर्क कबीलों के साथ तुम पर हमला किया और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हें भी सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ बगावत पर उकसाया। और मैंने उनकी बात नहीं मानी और कैदी शहजादों को अपने साथ लेकर कोनिया की तरफ रवाना हो गया। फिर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और सारे सिपाही मार दिए मेरे, और मेरी आंखों के सामने मेरे सिपा सलार सरीपोरों को मौत के घाट उतार दिया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। उसके बाद तुम सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर के साथ काई पर हमला करोगे। काई कबीला तुम्हारी ताकत के सामने रिजा रिजा हो जाएगा, उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी और फिर तुम वापस जाकर सुल्तान अलाउद्दीन के खास वजीरों में शामिल हो जाओगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली मगर इनकी हरारत कम होने में नहीं आ रही। बस आप लोग इनके लिए दुआ कीजिए, इनको अब दुआ ही बचा सकती है। हमें सुलेमान के हुक्म को हर कीमत पर पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें हिजरत की तैयारी पूरी रखनी होगी। सुलेमान की तबीयत जैसे ही संभलेगी हम यहां से कूच कर जाएंगे। हमें इस मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी है। आगे हमारा सफर बहुत तवील है। खुश आमदीद आला हजरत। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। अल्लाह की रहमत तुम पर साया फिगन हो।
जन्नत मकाम तुम्हारे दादा ने मुझे बताया था। हर परिंदा अपने झुंड के साथ अच्छा लगता है, शाहीन शाहीन के साथ, कौवा कौवे के साथ। हालत में बहुत हुजूम हो गया है, शाहीन और कौवे सभी एक साथ जमा हो गए हैं। हर एक के अपने मसाइल हैं, सब हराम हलाल सोचे बिना कमाई में लगे हैं, अपने रब की खुशनुदी के बगैर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सबको नेक हिदायत अता करे। जो लोग अपनी जिंदगी में रब को भूल जाते हैं, अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कुरान पाक में यही लिखा है। आला हजरत, आपकी तालीमात का असर है। खुशखबरी है तुम्हारे लिए सलजान खातून, तुम्हारा वारिस आने वाला है जो दुनिया में आकर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मुबारक हो तुम्हें सलजान खातून। अर्दुल के साथ हमारा सफर बहुत तवील है, इसमें मुश्किलात भी आएंगी, हमें मिलकर इन मुश्किलात का मुकाबला करना होगा। सुल्ताना, तुम ही मेरी साथी हो, तुम्हें हमेशा मेरा साथ देना है। मेरी तमन्ना थी कि सब बेहतर हो जाए, इंशाल्लाह। सुना है कि सुलेमान शाह की तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह से दुआ है कि उन्हें सेहतियाब कर दे। लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। ये सब हमारी वजह से है, उनकी परेशानी में इजाफा कर दिया हमने। अल्लाह जल्द सेहत दे उन्हें। आमीन। सुलेमान शाह ने हुक्म दिया था कि हलब गुंदोगतू भाई जाएंगे पैगाम लेकर, और तुम्हें भी उनके साथ जाना होगा अलीमा। गुंदोगतू भाई? अभी ये सब भी खोलना है तुम्हें। सही से बांधना, कहीं रास्ते में खुलना चाहे। तो तुम आ गए कुर्दोगलो, तुम सुनकर शिश्ता रह जाओगे जो बात मैं तुम्हें बता रही हूं। रास्ते से पर्दा उठ चुका है, उन कैदियों की हकीकत मालूम हो चुकी है कि वो कौन लोग हैं।
उनका झूठ खुलकर सामने आ चुका है। वो कोई आम आदमी नहीं, धूल झोंकता रहा है हमारी आंखों में अब तक। वो आदमी सलजुक सल्तनत का शहजादा है। तो मैं क्या कर सकता हूं? ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो सुलझान खातून? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम कितनी शैतानी खोपड़ी रखते हो। मेरे बाबा और चाचा एक दिन शिकार पर गए थे। हम दोनों की जितनी उम्र होगी उनकी। मेरे चाचा अपने घोड़े से गिर गए थे। गिर गए थे? क्या वो घुड़सवारी नहीं जानते? अरे घोड़े के सामने रीच आ गया था, वो उससे डर के पीछे हटने लगा। तो उन्होंने क्या किया फिर? मेरे चाचा तो कुछ भी नहीं कर सके थे क्योंकि मोच आ गई थी उनके पैर में। जैसे ही रीच आगे बढ़ा और उसने हमला किया, बाबा ने अपना नेजा उसके पेट में घोंप दिया। वाह, तुम्हारे बाबा तो बहुत बहादुर हैं। और इस तरह वो दोनों सगे भाई बन गए। ये गीत तुम कल जा रहे हो, जाकर मुझे भूलना नहीं कि कबीले में तुम्हारा भाई भी मौजूद है। चलो चले। ये गीत वो देखो, चलो भागो। या अल्लाह, इस वबा से हमारी हिफाजत फरमा। तेरे सिवा हमारा मददगार कोई नहीं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। खुश आमदीद नासिर। आपने मुझे याद फरमाया था, जाकर अल अजीज तक ये पैगाम पहुंचाओ फौरन कि वो हमारी सरहद के करीब जगह ना फराहम करे काई कबीले को। मगर उस्ताद आजम टाइटस। टाइटस की बात ना करो मुझसे, उसने पहले ही बहुत मसाइल खड़े कर रखे हैं। वो एक प्यादा है जो अपने आप को बहुत ही अकलमंद समझता है। अल अजीज का फैसला बदलना मुश्किल होगा, वो काई कबीले का बहुत एहतराम करता है। अल अजीज को शायद मालूम नहीं है ये बात कि वो हलब की अवाम को किस मुश्किल से दोचार करने वाला है काई कबीले पर भरोसा करके। अर्तुरुल को जो लोग यहां मारने आए थे उनका पता लगा लिया क्या आपने? सुल्तान मुअज्जम, मेरी इतलात के मुताबिक पादरियों ने अपने जासूस पूरे हलब में फैला रखे हैं। मैं महल में मौजूद उनके कारिंदों की तलाश में हूं। आओ नासिर, आओ आओ। सुल्तान मुअज्जम, मसला आम है, बात करना बहुत जरूरी है। खबर मिली है कि अनातोलिया में वबा फैलने का खदशा है,
इसीलिए यह जानना जरूरी है कि हमारे मुतवक्का इत्तेहादियों के साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं है। जनाब, मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि आप काई कबीले का एहतराम करते हैं और ये भी जानता हूं कि वो सलीबियों के खिलाफ हमारा बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन लेकिन क्या नासिर? सुल्तान मौसम, खबर मिली है कि उनके बहुत से जानवर भी मर चुके हैं। अच्छा, काई कबीले से वादा कर चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। काई कबीले से अगर कोई इजाजत के लिए आए तो उससे कहिएगा अर्तुरुल से मैं बाजाते खुद मिलना चाहता हूं। सरदार बनने के लिए तैयार हो जाओ गुंदुगदू, सब बड़े खेमे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वक्त आ गया है। ये मत भूलें कि बाबा अभी जिंदा हैं गुंदुगलू। ये मत भूलना कि तुम उनके बड़े बेटे हो, सबकी नजरें तुम पर लगी हैं। कबीले को इस वक्त जरूरत है तुम्हारी, क्या तुम इस मुश्किल वक्त में अपने खेमे में छुप कर बैठ जाओगे? मैं बस इतना जानता हूं कि जब तक हम यहां से हिजरत करेंगे बाबा सेहतियाब हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। हिजरत के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वहां पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलात हैं तुम जानते हो? क्या कहना चाहते हैं, खुल के बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। फैसला हो चुका है और बाबा भी हुक्म दे चुके हैं, मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम क्या समझते हो कि मैं कोई साजिश कर रहा हूं? तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे बाबा की जगह लेना चाहता हूं मैं? क्या अपनी बात भूल गए हो तुम? क्या कहा था तुमने मुझसे कि मेरी मदद करें सरदारी के लिए? बाबा बूढ़े हो चुके हैं और सरदारी के काबिल नहीं रहे, और मैंने तुम्हें यकीन दिलाया था कि तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगा मैं, याद है? क्या तुमने नहीं कहा था यह सब मुझसे? अगर तुम भलाई चाहते हो कबीले की तो तुम्हें इस बारे में सोचना होगा। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और कबीले की सरदारी संभालने के काबिल नहीं रहा हूं, और इस मुश्किल वक्त में हमारे कबीले को तुम्हारे जैसे बहादुर, बेबाक और जवान सरदार की जरूरत है। मतलब की बात करें, अर्तुरुल जिन कैदियों को छुड़ा कर लाया था मुझे उनकी असलियत का पता चल चुका है। नौमान और उसका बेटा कोई आम लोग नहीं है, शहजादे हैं सलजुक सल्तनत के। जिन लोगों के बारे में तुम बात कर रही हो पता भी है वो कौन है? सलजुक खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो, और वो कैदी नोमान एक शहजादा है, और जिससे तुम नफरत करती हो वो शहजादी है। उन्हें अगर हम सुल्तान के हवाले कर दें तो सुल्तान हमें मालामाल कर देगा, हम सलजुक के बेहतरीन इलाके में आबाद हो जाएंगे। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? हलब को भूलना होगा, हलब हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। शहजादों को पकड़कर आज रात ही सुल्तान के हवाले कर देंगे। या अल्लाह, हमारे सर पर सुलेमान का साया हमेशा कायम रखना।
जनाब हमले के लिए तैयार हैं। परेशान क्यों हो गए आप? अलपरगु बाहर जाओ। मुझे आपका ही इंतजार था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गुंदुगदू। तवक्को तो मुझे भी अपने प्यारे चचा से ये नहीं थी कि शहजादों को यरगमाल बनाएंगे और मुझे भी मशवरा देंगे अपने साथ शामिल होने का। मैं होने दूंगा ऐसा? तुम तो कल तक उन्हें निकालने पर तुले हुए थे और आज तुम उनके मुहाफिज बने हुए हो। अगर यहां तुम जैसे गद्दार मौजूद ना होते करदुगलू, तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं पहरा देता अपने मेहमानों के लिए। चचा जान, कोई तो हो जो तुम जैसे बागियों से अपने कबीले की हिफाजत करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आइंदा कोई भी गद्दारी करे हमारे कबीले से। सच सच बताओ मुझे कि तुम्हें शहजादे के बारे में कैसे पता चला? कारा तोयगर से जब मुलाकात के लिए गया था मैं, तो वहां मेरे जासूस मौजूद थे। उन्होंने बताया था मुझे। तो तुमने उस वक्त ये बात क्यों नहीं बताई? सुलेमान शाह ने जब यह बात अपने बड़े बेटे को नहीं बताई, तो फिर मैं कैसे बता सकता था? झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने पूछा, मैंने बता दिया तुम्हें। अब तुम खुद ही जाकर उससे पूछ लो जिस पर तुम्हें शक है, खुद ही मालूम हो जाएगा। जिन लोगों के बारे में तुम बात कर रही हो पता भी है वो कौन है? सलजूक खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो, और वो कैदी नुमान एक शहजादा है, और जिससे तुम नफरत करती हो वो शहजादी। भाई मुझे कुछ बताना है आपको। अभी नहीं भाई। कहा ना अभी नहीं।
चंदोगदू, कोई बात हुई है क्या? क्या तुमने ये बात बताई है कुर्दोगलू को कि नौमान शहजादा है? नहीं। गलत बयानी करने की जरूरत नहीं है, सच बताओ मुझे। किन शहजादों की बात कर रहे हो तुम? मुझे तो याद भी नहीं जो तुमने बताया था। उसने कहा, तुमने यकीन कर लिया? कुर्दोगलू को कैसे पता चला कि शहजादे हैं वो? तो क्या कुछ किया है उसने? कर तो वो कुछ भी नहीं सकता, लेकिन साजिशों में लगा हुआ है। कहां है वो शहजादे? अर्तुगरुल के साथ रवाना हो चुके हैं। अलअजीज के पास तुम ये पैगाम लेकर जाओ अर्तुगरुल। लेकिन भाई, बाबा ने आपको ये जिम्मेदारी दी थी। हाँ दी थी, मगर मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। इस पर जितनी जल्दी अमल दरामद हो सके हम सबके लिए बेहतर है। रवाना हो जाओ, तुम ही कर सकते हो ये काम। तुमने अर्तुगरुल को भेज दिया? क्या पागल पर है ये? तुम्हें क्या मतलब इस बात से? मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही ने उसको बताया होगा। मैंने उसे कुछ नहीं बताया गुंदोगदू, मेरा कोई वास्ता नहीं कुर्दोगलू से। उसने क्या मेरा नाम बताया है तुम्हें? उसने मुझे नाम तो नहीं बताया, लेकिन अगर मुझे पता चला कि वो तुम थी तो याद रखना कि वो दिन तुम्हारा। तुम ऐसे नहीं थे, बहुत बदल गए हो तुम। तुम शक कर रहे हो अपने होने वाले बच्चे की मां पर? जानते हो तुम्हारा वारिस आने वाला है? जनाब, अर्तुगरुल और उसके साथी रवाना हो चुके हैं। तुम अपने एतमाद के आदमी लेकर उनका पीछा करो, जरूरत पड़े तो उनको जहन्नम वासिल करने से मत हिचकिचाना। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अर्तुगरुल अपने ही लोगों को मार डालेगा। जरूरत है एक बहादुर जांबाज की जो इन बिखरे हुए कबीलों को बहादुरी के साथ मुत्तहिद कर दे।